तरीके से जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तो आपने खुद अपने घर में कहा मैं अपने कि जी को जो है मैंने वोड़ कहा मैं, हाँ मैं, हा, ये एकदम सही बात मैंने कहा मोदी बाबा की हाँ। सरकार आनी चाहिए तो मतलब इनको वोट देना तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों और आपको मैं बता दूं 2014 में मैं 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 शायद सोलह सत्रह सत्रह साल की थी तब मैं वोट नहीं कर सकती थी ऐसा कुछ था हाँ याद है मुझे मैंने घर में सबको बोला था तो मम्मी लोगों का था काहे देना है काहे मैंने कहा मोदी जी अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी रोजगार की, की बात कर रहे हैं मोदी जी हम युवाओं की बात कर रहे हैं मम्मी हमारे घर में सभी खुश हो के उस टाइम पे एक गजब था मोदी जी मोदी जी लेकिन यही लहर जो है अलग बिल्कुल था झूठ क्यों मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है योगी जी हमारे दुश्मन नहीं है भाई सपा के एजेंट कहां से हूं और मैं आप लोगों को बात बता दू हनुमान और बजरंग बली के दिखा दू बसाए रखा है विश्वास करो यार और एक एक लाइन के के मेरे बोल सुनो अगर मैं सपा के गाना गाती तो मैं कहती आएंगे तो हमारे भैया ही हम भी गाए होते लेकिन आप देखो उसमें जनता की बात करी गई है वहां ना अखिलेश जी है ना योगी जी है अरे भैया ना अखिलेश जी हमारे मौसी के बेटे हैं ना वो मोदी जी हमारे और योगी जी हमारे कुछ अपने लगते हैं तो दोनों नेता ही अरे जीत जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अरे अखिलेश जी तो थे ही ना कभी ना कभी क्या हो गया ऐसा यूपी की जनता का योगी जी आए क्या हो गया लोकसभा चुनाव था हमने अपने घर में कहा कि सबको देना है मोदी जी को वोट लोगों ने कहा क्यों मैंने कहा मोदी जी रोजगार की बात कर रहे हैं छह सात साल बीत गए हम बेरोजगार हैं हुँ, क्या कहिएगा तो यही यही हाल है मतलब पहले आपको कहना है कि आप जो है मोदी जी के सपोर्ट में थी और जिस तरीके से काम सपोर्ट तो... मोदी जी का नहीं जो मुद्दे की बात करेगा उस वो वो कौन है वो किस जाति से है वो किस पार्टी का है भैया जनता को इससे क्या मतलब है हुँ, हुँ, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं आप हमारी बात कर रहे हैं ना आप आप हमारे फेवरेट होंगे पर ये क्या बात होती है कि आप जब तक विपक्ष में रहते हैं जनता की बात करके कुर्सी हथियाना चाहते हैं मैं तो आज जितने भी विपक्ष में लोग हैं मैं उनसे भी कह रही हूँ ये लोग जैसे ही सत्ता में आते सरकार के बोल बोलने लग जाते हैं तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं और जनता जो है वही है भैया रोज बेरोजगारी का रोना ही रोना है है ना तो ये चीज देखिए अच्छा खुद आपने अभी कहा कि जिस तरीके से जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तो आपने खुद अपने घर में कहा मैं अपने, जी को जो है मैंने मैंने कहा मैं, हाँ ये एकदम सही बात मैंने कहा मोदी बाबा की हाँ। सरकार आनी चाहिए तो मतलब इनको वोट देना तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों और आपको मैं बता दू दो में मैं 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 शायद सोलह सत्रह सत्रह साल की थी तब मैं वोट नहीं कर सकती थी ऐसा कुछ था हाँ याद है मुझे मैंने घर में सबको बोला था तो मम्मी लोगों का था काहे देना है कहाँ मैंने कहा मोदी जी अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी रोजगार की बात कर मोदी जी हम युवाओं की बात कर रहे हैं मम्मी हमारे घर में सभी खुश हो के उस टाइम पे एक गजब था मोदी जी मोदी जी लेकिन यही लहर जो है अलग बिल्कुल था क्यों? मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है योगी जी हमारे दुश्मन नहीं है भाई सबका सम्मान है लेकिन भैया पार आपके हाथ में है सत्ता में आप हैं। बचेंगे तो नहीं हमारे सवालों से नहीं, नहीं, नहीं। मीडिया को भी मैं कहूंगी भैया जो मीडिया चाटुकारिता करते मैं तो उनसे भी कहूंगी भैया क्यों किस बात की चाटुकारिता आप कल अखिलेश जी आएंगे ये ये सारे सवाल अखिलेश जी से होंगे कोई भी आए भैया अच्छा एक एक सवाल मैं आपसे और लूंगी उसके बाद हम बाकी साथियों के पास भी जाएंगे उनसे जाने की कोशिश करेंगे उनके जो सवाल है उनको भी हम लेंगे नेहा जी एक सवाल है मेरा कि आपने जिस तरीके से कहा कि जब मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे तो आप जो है कह रही थी अपने घर परिवार वालों से भी कि भैया मोदी जी को वोट दीजिए क्योंकि वो रोजगार की बात करते हैं मुद्दों की बात करते हैं अब मान लीजिए अगर दस मार्च को जब फैसला आता है और आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है लेकिन कुछ वक्त बाद जो मुद्दे आज है वो वैसे के तस के तस रहे या कुछ कमी रही बिल्कुल क्या नेहा सिंह राठौर समाजवादी पार्टी के लिए भी इसी तरह का गाना लेकर आएंगे मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मैं सीना चीर के तो दिखाऊंगी नहीं कि वही गाऊंगी मैं आप भी रहेंगी मैं भी रहूंगी आप आ जाइएगा मेरा इंटरव्यू लेने नेहा सिंह राठौर इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कहेगी कि मैं जनता की बात कर रही हूं करती हूं और करती रहूंगी अखिलेश जी हैं चाहे मोदी जी हैं चाहे योगी जी हैं कोई कोई मतलब मेरा अपना वो क्या बोलते किसी से मेरा खून का रिश्ता नहीं है सभी नेता मंत्री हैं अलग अलग पार्टियों के हैं सरकारें आएंगी जाएंगी भैया है ना ऐसी चीजें हैं तो नेहा सिंह राठौर को आप हमेशा देखेंगी वो सरकार से सवाल पूछ रही है